ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी माँ को अपने एक फ्रेंड से मिलाता है और इसकी माँ को जमकर पीलता है। यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक अमीर परिवार को देखते हैं। शहर के सभी लोग इन्हें रिची फैमिली के नाम से जानते हैं। इस फैमिली की एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी होती है जिसकी शुरुआत मॉरिस ने की थी। मॉरिस का टिम नाम का एक बेटा है। टिम ने एमा नाम की एक रशियन लेडी से शादी की थी। टिम और एमा के तीन बच्चे भी होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम जॉन होता है और सबसे छोटे बेटे का नाम जियान होता है। इसके अलावा एलिसा नाम की इनकी एक बेटी भी होती है। इसके बाद हम रिची फैमिली को डिनर पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं, क्योंकि आज मॉरिस का बर्थडे होता है और इस पार्टी को लेकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ पे जॉन आता है। वो आज हॉर्स रेसिंग में अपने दोस्त से ही हार गया था और इसलिए उसका मूड ठीक नहीं होता है। इसके बाद जॉन अपनी माँ एमा से कहता है, मैंने आज पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड एवा को भी बुलाया है और मैं जल्द ही उसके साथ शादी भी करने वाला हूँ। फिर डिनर करते टाइम एमा सभी को एक स्पेशल सूप सर्व करती है। ये सूप उसने खासकर जॉन के लिए बनाया था। इससे हमें मालूम चलता है एमा को कुकिंग करने का बहुत शौक है। इसके बाद जॉन के ग्रैंडफादर मॉरिस सभी के सामने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। वो अपने बिजनेस को अपने बेटे टिम और अपने ग्रैंडसन जॉन के नाम पे कर देते हैं। सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं कि मॉरिस ने अपने आधे बिजनेस को जॉन के नाम पे क्यों कर दिया। यहाँ पे एलिसा मॉरिस को अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है, लेकिन मॉरिस उसके पेंटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये देखकर एलिसा को काफी बुरा लगता है। एलिसा को उदास देखकर उसकी दादी उसे चीयर अप करती है। डिनर के बाद वहाँ पे जॉन का दोस्त एंटोनियो भी आता है। एंटोनियो अपने ही डैड के होटल में शेफ का काम करता था, इसलिए वो मॉरिस के लिए अपने हाथों से एक केक बनाकर लाया था। उनकी बातों से हमें ये मालूम चलता है आज एंटोनियो ने ही जॉन को हॉर्स रेसिंग में हराया था। इसके बाद जॉन एंटोनियो को अपनी माँ एमा से मिलवाता है। एमा को एंटोनियो काफी पसंद आता है। अगले दिन एमा जब घर का काम कर रही थी, तभी उसे जॉन के कपड़े में एक सीडी और एक लेटर मिलता है। जॉन को ये लेटर एलिसा ने लिखी थी। लेटर में एलिसा ने लिखा था वो एक लेस्बियन है और वो एक लड़की से प्यार भी करती है। दरअसल एलिसा ने ये बात जॉन को इसलिए लिखी थी क्योंकि पूरी फैमिली में इकलौता वही था जो उसकी फीलिंग को समझ सकता था। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं। वो एंटोनियो से मिलने के लिए आया हुआ था। यहाँ वो एंटोनियो से एवा के बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स करने के लिए कहता है। इस पार्टी में वो एवा को शादी के लिए प्रपोज भी करने वाला था। बातों ही बातों में एंटोनियो जॉन से कहता है, मैं अपने डैड के होटल में शेफ का काम मजबूरी में करता हूँ और मेरे डैड की बिल्कुल भी नहीं बनती और इसलिए एंटोनियो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। इस पर जॉन एंटोनियो से कहता है, मेरे डैड की एक खाली प्रॉपर्टी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोले, तुम्हारे पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस भी है। ये सुनकर एंटोनियो खुश हो जाता है। इसके बाद हम एंटोनियो को एवा के बर्थडे पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं। यहाँ पे एमा भी उसकी हेल्प कर रही थी। चूँकि एमा और एंटोनियो दोनों को कुकिंग करना काफी अच्छा लगता है, इसलिए दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। इसके बाद हम एवा के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, लेकिन एमा इस पार्टी में नहीं होती है। इसके बाद हम एमा को टिम के साथ उसके रूम में देखते हैं। बातों ही बातों में टिम एमा से कहता है, मैं अपने इस फैमिली बिजनेस को बेचना चाहता हूँ, लेकिन डैड ने आधा बिजनेस जॉन के नाम पे करके ठीक नहीं किया क्योंकि वो अच्छे से जानता था जॉन इस बिजनेस को बेचने नहीं देगा। नेक्स्ट डे एमा एवा और एलग्रा के साथ एंटोनियो के रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पे एंटोनियो एमा के लिए एक स्पेशल डिश बनाता है। उसे खाने के बाद एमा एंटोनियो से और भी इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पे वो उसकी कुकिंग स्किल की तारीफ भी करती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं एमा अब एंटोनियो की ओर अट्रैक्ट हो रही थी। इसके बाद हम एमा को उसकी बेटी एलिसा के साथ देखते हैं। यहाँ पे एलिसा एमा को एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहती है, मैं इससे प्यार करती हूँ। ये देखकर एमा एलिसा से कहती है, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे ताकि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट ना रहे। इसके बाद हम एमा को कहीं जाते हुए देखते हैं, लेकिन रास्ते में वो एंटोनियो को देखती है। इसके बाद वो एंटोनियो का पीछा करने लगती है। एंटोनियो भी एमा की इस हरकत को नोटिस कर लेता है। फिर यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिलकर ऐसा प्रेटेंड करते हैं जैसे दोनों इत्तेफाक से मिले हों। बातों ही बातों में एंटोनियो एमा से अपने और जॉन के रेस्टोरेंट वाले बिजनेस के बारे में बोलता है और इसके बाद वो एमा को लेकर अपने घर पे आ जाता है। घर आने के बाद दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के साथ जमकर घपाघप करते हैं और इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन हार्ट अटैक से अचानक मॉरिस की मौत हो जाती है।
मॉरिस के मरने के बाद टीम सारे शेयर होल्डर्स को अपनी ओर कर लेता है और वो उनसे कंपनी को बेचने के बारे में कहता है। इसी बात को लेकर एक मीटिंग भी होती है और इस मीटिंग में जॉन भी होता है। जॉन शेयर होल्डर्स को समझाते हुए कहता है, हमें इस कंपनी को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन कोई भी शेयर होल्डर्स जॉन की बात को नहीं मानते। इसके बाद सब लोग ये डिसाइड करते हैं, इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाएगा, जो कि अगले हफ्ते कंपनी को खरीदने के लिए यहाँ पे आएंगे। इन्वेस्टर्स के वेलकम के लिए टीम अपने घर पे एक पार्टी का अरेंजमेंट भी करता है। कंपनी बेचने वाली बात को लेकर जॉन काफी परेशान हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर वो एलिसा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन एलिसा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जॉन जाकर एंटोनियो से मिलता है और उसे रेस्टोरेंट के पेपर्स देता है। साथ ही वो एंटोनियो से इन्वेस्टर्स के वेलकम पार्टी को अरेंज करने के लिए कहता है और एंटोनियो भी उस पार्टी को मैनेज करने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम एमा और एंटोनियो को देखते हैं। वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास को शांत भी करते हैं। घपाघप के बाद एंटोनियो एमा के बाल को काटता है और बदले में एमा एंटोनियो को वही स्पेशल सूप बनाना सिखाती है। थोड़ी देर बाद जॉन भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन एंटोनियो उसे यहाँ पे नहीं मिलता। तभी जॉन वहाँ पे एमा के कटे हुए बालों को देखता है, लेकिन वो बालों को देखकर भी इग्नोर कर देता है। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पे टीम सारा बिजनेस फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेचने वाला था और इस पार्टी को एंटोनियो ने काफी अच्छे से मैनेज किया था और एमा भी इस काम में एंटोनियो की काफी हेल्प करती है। इस पार्टी में जॉन का मूड काफी ऑफ होता है। जॉन का मूड ऑफ देखकर एवा उससे कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर जॉन काफी खुश हो जाता है। इसके बाद डिनर में एंटोनियो सबके लिए वही सूप बनाकर लाता है जिसकी रेसिपी उसे एमा ने बताई थी। सूप देखकर जॉन ये समझ जाता है एंटोनियो और उसकी माँ का अफेयर चल रहा है। ये जानकर जॉन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। जॉन को समझाने के लिए एमा भी उसके पीछे पीछे आती है और यहाँ पे उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी अचानक से जॉन का पैर फिसल जाता है और उसका सर एक पत्थर से जा लगता है, जिसके बाद सब लोग जॉन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जॉन की मौत हो जाती है। जॉन की मौत का सबसे ज्यादा दुख एमा को होता है और इसलिए वो जॉन के फ्यूनरल के बाद टीम से सारी बातें बोल देती है और कहती है, मैं एंटोनियो से प्यार करती हूँ। एमा और एंटोनियो के अफेयर के बारे में जानने के बाद टीम उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद एमा सारा सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी एलिसा को देखती है। एमा को देखकर एलिसा समझ जाती है उसकी माँ अब अपनी जिंदगी अपने मन के अनुसार जीने जा रही है और इसलिए उसे अपनी माँ का ये फैसला काफी अच्छा भी लगता है। इसके बाद हम एमा को एंटोनियो के साथ एक केव में देखते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।